पटना बाईपास डेंडर जोन बनता जा रहा है। आज सुबह इस ट्रक ने एक दंपति को कुचला है। बाइक सवार दंपति है, फिलहाल दोनों की मौत हो गई है। एक की मौत घटनास्थल पर हुई, दूसरे की मौत हॉस्पिटल में हुई है। उसके बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। उसके बाद हंगामा हो गया। हंगामा के बाद पूरा बाईपास इलाका जाम हो गया और पूरा बाईपास इलाका को रिस्टोर फिलहाल पुलिस करने का प्रयास कर रही है। और उसके बाद हालात कितने गंभीर आप देख सकते हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को यहाँ तैनात किया गया है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। फिलहाल कह सकते हैं कि सबको यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पूरे बाईपास में लंबा जाम लग गया है। तो जिस तरीके से लगातार बाईपास पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, निश्चित तौर पर यह डेंजर जोन है और कहीं ना कहीं संभल कर चलने की ज़रूरत है। उसके बाद हंगामे के बीच फिलहाल पुलिस पहुंची, भारी संख्या में पुलिस फोर्स ने यहां से लोगों को समझाया और उसके बाद कह सकते हैं कि बिल्कुल कह सकते हैं हालात पर काबू करने का प्रयास किया गया और फिलहाल ट्रक आग को बुझा लिया गया है और फिलहाल हालात पर काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे बाईपास में ट्रैफिक को रिस्टोर करने का प्रयास किया जा रहा है। सफलता नहीं मिल पाई है क्योंकि बहुत लंबा जाम लगा है पूरे बाईपास पे। तो फिलहाल कहा यही जा सकता है कहीं ना कहीं पूरा बाईपास का इलाका डेंडर जोन बनता जा रहा है। लगातार हर दिन दुर्घटनाएँ हो रही हैं, लोगों की मौत हो रही है, लेकिन फिलहाल निश्चित तौर पर प्रशासन को इस पूरे मामले में एक पूरी नई तरकीब के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ बाईपास पर ट्रैफिक चलाने की ज़रूरत है। फिलहाल कहा जा सकता है कि बाईपास पर सिचुएशन को, हालात पर काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। मुर्गू आलम कशी सुनूद पटना।